स्वागत है आपका रिमिस गार्डन में। फूल तो हर कोई पसंद करते हैं और कई लोग फूलों को लगाना भी पसंद करते हैं, पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कब क्या लगाना है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के महीने में आप कौन से फूल लगा सकते हैं। रेन लिली या बरसाती लिली, जैसा नाम से ही जाहिर है ये बरसात में ही लगते हैं। बल्ब या सीड्स दोनों से आसानी से ही ये उग आते हैं। इनके फूल कई रंगों के होते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, पीला, ये तीन इनके बहुत कॉमन रंग होते हैं। ये हर तरह की मिट्टी में लगते हैं, लेकिन मिट्टी में अगर थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट हो तो ज़्यादा फूल आएगी और फूलों का आकार भी थोड़ा बड़ा होगा। और इनके फूल बहुत ही शानदार लगते हैं, इन्हें आप छोटे छोटे गमलों में भी आराम से लगा सकते हैं। और इसकी खुशबू के बारे में क्या कहूँ, बस मैं महसूस कर सकती हूँ। आप बस इसकी खूबसूरती देखिए, बेहद शानदार है। मधुमालती के खिलने का समय भी यही है और इनकी प्रोपेगेशन का बेस्ट टाइम यही है। मधुमालती को लगाने के लिए बहुत मोटी डाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये इसकी मोटी डाल है और ये पतली डाल। इसकी कटिंग को पानी में लगा सकते हैं, रेत में लगा सकते हैं, नॉर्मल किसी गमले में दूसरी पौधे लगाए हैं तो उसमें भी इसे लगा सकते हैं। ईजली इनमें रूट्स आ जाते हैं, रेनी सीजन में तो बहुत आसानी से रूट्स इनके आते हैं और बहुत खूबसूरत पौधा आपका तैयार हो जाएगा। एक बार इसे लगाएंगे तो सालों साल ऐसी खूबसूरती रहेगी ना कि सारे मोहल्ले आपके घर की तरफ ही देखेंगे। कॉस्मोस या फूल बीजों से उगते हैं। पत्ते इनके सौंफ की पत्तों की तरह पतले और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। बीज थोड़े से काले, नुकीले और पतले पतले होते हैं। यह फूल भी लगभग हर रंग में खिलते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, मरून, सफ़ेद। यह पौधे छोटे छोटे गमलों में भी फूल देते हैं। इसे 10 से 12 इंच के पॉट में भी आप आराम से लगा सकते हैं। हिबिस्कस या गुड़हल, इन्हें चाइना रोज़ या अड़हुल भी कहते हैं। इन फूलों की कटिंग लगती है। जुलाई का महीना परफेक्ट टाइम है उगाने का, क्योंकि बरसात की शुरुआत अब तक लगभग सारे भारत में हो चुकी होती है। आप कटिंग को सीधी मिट्टी में लगा दें। इनके फूल कई रंगों आकार में मिलते हैं। इनका हर रंग खास होता है, सैकड़ों वैरायटीज इनकी होती है। इन्हें आप 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा फूल के लिए कंपोस्ट डालें। कीड़ों का, खास करके मिलीबग का, जैसे ही असर दिखे फौरन कीटनाशक का प्रयोग करें। बेला या जैस्मीन सैम्बक, या बेला या मोगरा की खुशबूदार किस्म है जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इन्हें लेयरी या रूट कटिंग से लगाया जाता है। आपको नर्सरी में तैयार पौधा मिल जाए तो वह लगाना सबसे आसान होगा। इनके फूल सफ़ेद और खुशबूदार होते हैं। आमतौर पर यह पौधा झाड़ी नुमा होता है। इन्हें भी आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। ये जेनी क्रीपर है, ये बहुत खूबसूरत वाइन जैसा पौधा होता है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्सलेंट ग्राउंड कवर भी बनाता है। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो भी अच्छा है, लॉन में भी आप लगा सकते हैं ग्राउंड कवर बनाने के लिए। और इसको लगाना बहुत आसान होता है, जैसे पुदीना लगाते हैं। ये इसकी तोड़ी गई एक डंडी आप मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो ग्रीन, लश ग्रीन हैंगिंग बास्केट बहुत खूबसूरत इससे बन सकता है। शो प्लांट में ये बहुत अच्छा प्लांट ये माना जाता है, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। सदाबहार या पेरीविंकल, अपने नाम की तरह यह फूल भी सदाबहार होते हैं। छोटे काले बीजों से आसानी से उग जाते हैं। इंद्रधनुष के समान सारे रंग इन फूलों में आपको मिल जाएंगे। इनके रंग लाल, सफ़ेद, बैंगनी, गुलाबी आदि होते हैं। किसी भी मिट्टी में ये आसानी से लगते हैं और खूब फूल इनमें खिलते हैं। आप चाहें अगली बार के लिए भी इनके बीज इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने नन्हा सा अपराजिता का पौधा भी उगा लिया है। इसको क्लिटोरिया या क्लिटोरिया टेरेंटिया इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है। ये सफ़ेद और ब्लू दो कलर में आता है। सिंगल लेयर, डबल लेयर इसके फ्लावर होते हैं। इसकी वाइन बहुत खूबसूरत होती है और ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। इसके फूलों को उबाल के आप चाय पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, क्योंकि उससे मेमोरी पावर बढ़ती है।
और बहुत खूबसूरत वाइन है। अभी इसको लगा देंगे ना तो नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा के लिए फूलों की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा को अपराजिता कहते हैं और ये इस फूल का भी नाम है। ये देखिए, आप मैंडेविएला भी लगा सकते हैं। मैंने इसको मात्र 8 इंच के गमले में लगा रखा है और गमले में नीचे मैंने ये पर्पल वांडरिंग का पौधा लगाया है। जो ये देखिए पर्पल वांडरिंग का पौधा है, बहुत खूबसूरत होता है। छोटा सा गमला है, आपको गमला नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से भर गया। पर्पल वांडरिंग ना हैंगिंग बास्केट वगैरह या ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। ये देखिए इसका रंग कितना खूबसूरत होता है। और इसी में मैंने ये मैंडेविएला लगा रखा है। मैंडेविएला का पौधा आपको बार बार नहीं लगाना पड़ता है, इसकी बस प्रूनिंग करनी होती है। तो ये फिर 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक चलता है और इसमें छोटे पौधे में कलियाँ आने लगती हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए आप इसमें कली को देख सकते हैं और इसमें फूल भी बहुत अच्छे से खिलता है, बड़े आकार का फ्लावर आता है। इसमें बहुत सारे कलर इसके फ्लावर्स के आपको मिल जाएंगे, येलो, ऑरेंज, वाइट, रेड। ये देखिए छोटे फूल में ही कलियाँ भरमार आ गई हैं छोटे पौधे में। इसको आप जरूर लगाइए, बरसात के दिनों में ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, विगरस ग्रोथ होता है। ये वाइन आपकी बालकनी में छा जाएंगे और फूलों से भर जाएंगे।